हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन नंबर 5 में एक फिगर दिया है, मतलब एक ग्राफ दिया हुआ है आपको और कुछ इक्वेशंस दी हुई है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि इनमें से कोई एक ही इक्वेशन है जिसका ये ग्राफ है। किस इक्वेशन का ये ग्राफ है, ये हमें चेक करना है। तो देखो, ये जो पॉइंट्स दे रखे हैं, जिस भी इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करेंगे तीनों पॉइंट्स, वही उसी का ये ग्राफ होगा, उसी इक्वेशन का ये ग्राफ होगा। समझ में आया? तो जैसे हमने फर्स्ट इक्वेशन ली, ये इसमें पहला पॉइंट पुट किया हमने 0 0, तो 0 इक्वल टू 0 आ गया, पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ये वाला पॉइंट पुट किया, x की जगह हमने रखा -1 और y की जगह रखा +1, क्या ये एक दूसरे के इक्वल है? नहीं है। ये नहीं है तो ये इसका ग्राफ नहीं है। सेकेंड चेक करते हैं, सेकेंड में है x प्लस y इक्वल टू 0। इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं ना, तो ज्यादा सही है। देखो, इसमें पुट किया मैंने -1, पुट तो सारे करने हमें, तो देखो -1 और y की जगह +1 इक्वल टू 0, तो 0 इक्वल टू 0 हो रहा है, ये सेटिस्फाई हो गया। फिर सेकंड चेक करेंगे, x की जगह 0 रखा, y की जगह भी 0 रखा, इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू 0, ये भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तीसरा पॉइंट रखेंगे, x इसी इक्वेशन में x की जगह हमने 1 पुट किया और y की जगह -1 पुट किया इक्वल टू 0, 1 - 1 इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू 0 आ गया। तीनों पॉइंट सेटिस्फाई कर गए, यानी ये इसी इक्वेशन का ग्राफ है। ये जो ग्राफ है किस इक्वेशन का है? इसका, ये इसका आंसर होगा। समझ में आया? अब इसका दूसरा पार्ट देखते हैं सेकंड वीडियो में। थैंक यू।